बच्चों, आज की कक्षा में अपन पाठ 13 पढ़ेंगे, विषय हिंदी। पाठ का नाम बसंत। बसंत ऋतु के बारे में इसका वर्णन किया गया है और इसके बसंत ऋतु के स्वरूप में प्रतिदिन जो है बदलाव आ रहा है। हर बार जो है वनों को काटा जा रहा है, उसके उस बसंत ऋतु के प्रति जो है चिंता व्यक्त करते हुए, पहले बसंत के आगमन पर धरती पर हरियाली फैल जाती थी, ठंडी हवा बहने लगती थी, कोयल कूकने लगती थी, मोर नाचने लगते थे। वनों के विनाश के कारण बसंत का यह स्वरूप लुप्त होता जा रहा है। बसंत ऋतु की छटा को पुनः पाने के लिए वृक्षारोपण पर्यावरण की रक्षा की जाना चाहिए, इस पाठ से अपन को यह संदेश मिला है। तो ये एक कविता है जो कि प्रमोद सोनी इसके कवि है। तो आपको जो है मैंने यहाँ पर शब्दार्थ भी लिख कर दे दिए हैं। अमुआ मतलब आम, आप चाहो तो लिख भी सकते हो। उजाड़ मतलब बर्बाद, नष्ट हो जाना। बंजर मतलब वह भूमि जिस पर कुछ भी अंकुरित नहीं होता हो। तो बच्चों, आइए कविता की पंक्तियाँ पढ़कर उसका अर्थ समझते हैं। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले भी फिर झूले थे, बहती थी मस्त पवन, झूम उठे पागल मन, मोर भी नाचा था वन में मयूर संग। बच्चों, संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि यह पंक्तियां हमारे पुस्तक भाषा भारती से ली गई है, पाठ 13 बसंत से ली गई है। इनके कवि प्रमोद सोनी है। प्रसंग में आप थोड़ा सा इसका अर्थ बता सकते हैं कि इन पंक्तियों में कवि ने बसंत के आगमन पर अनेक प्रश्न किए हैं। व्याख्या देख लीजिए बच्चों कि कवि बसंत से कहता है कि हे बसंत, पहले तुम आते थे तो अपने साथ हरियाली लाते थे, सर्वत्र मतलब सब जगह हरियाली फैल जाती थी, चंपा चमेली गेंदा आदि सभी फूल खिलते थे, आम के वृक्षों पर झूले डाले जाते थे और झूलते थे, मस्त करने वाली हवा बहती थी, सबके मन प्रसन्न हो जाते थे और जंगल में मोर अपनी मोरनी के साथ नाचता था। अगली देखिए, अगली पंक्तियाँ की स्वागत में गीत कोई कोयल भी गाती थी, पत्तों के झुरमुट से कुहू कुहू धुन आती थी, क्यों नहीं लगता अब जैसे तुम आए हो, हरियाली मस्त पवन संग नहीं लाए हो। संदर्भ में आप वही लिख लेना पाठ का नाम और कवि का नाम। व्याख्या देख लीजिए बच्चों कि कवि बसंत से कहता है कि बसंत, आपके स्वागत में कोयल गीत गाती थी, मधुर आवाज पत्तों के झुरमुट से कोयल के गाने की आवाज मधुर आवाज आती थी, कोयल की कू कू के रूप में निकालती थी आवाजें, लेकिन ये बसंत अब तुम्हारे आने पर वैसा वातावरण क्यों नहीं बनता है, अब न तो वैसी हरियाली है न वैसी मस्त करने वाली हवा चलती है। अगली पंक्तियाँ देखिए, अब कहाँ आऊँ मैं, कट गए वृक्ष सब, कहाँ ठहर जाऊँ मैं, हरे भरे जंग सब तुमने तो काट दिए, घर मेरा उजाड़ कर अपनों में बांट दिए। व्याख्या देखिए बच्चों इसकी कि बसंत कवि से कहता है, पहले कवि बसंत से बात कर रहा था, अब बसंत कवि को बोलता है कि अब मैं हरियाली किस प्रकार लाऊं, मैं तो हरियाली के संग ही आता हूं, लोगों ने वृक्ष काट दिए हैं, अब मैं कहाँ ठहरूं, आप लोगों ने हरे भरे जंगल सब काट दिए हैं, जंगल ही मेरा घर है जिसे तुमने उजाड़ दिया है, सभी वृक्षों को काट काट कर आप लोगों ने आपस में बांट लिए है, मतलब जो है जंगलों को काटने के से जो हानि हो रही है इस कविता के माध्यम से हमें बताया गया है। अगली पंक्तियाँ देखिए बच्चों, दुखी है मेरा मन, कुछ तो दुख बांटो, जंगल ही जीवन है, जंगल को मत काटो, मेरे घर आंगन को फिर से बसाओगे, बसंत इस धरती पर हरियाली लाओगे, अब तो मैं आऊंगा वृक्ष जब लगाओगे। बसंत फिर कवि से कह रहा है कि
जंगलों के कट जाने से मेरा मन बहुत दुखी है। मेरे दुख को तुम ही कम कर सकते हो। जंगल ही मेरा जीवन है, जंगल को मत काटो, मेरे जीवन की रक्षा करो। हे कवि, मेरे घर आंगन को यदि तुम फिर से बसाओगे तो बंजर पड़ी इस धरती पर फिर से हरियाली आ जाएगी। मैं अब तभी आऊंगा जब वृक्ष लगाओगे। तो बच्चों, इस कविता में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दिया गया है। वनों को बचाने के लिए हमें वृक्षारोपण करना चाहिए। हमारे पर्यावरण की शुद्धता के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है कि हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध हो सके। तो आपको इसके मैंने शब्दार्थ बता दिए, कठिन शब्द। आपको अब मैं इसके प्रश्न उत्तर फोटो खींच के भेज दूंगी। बच्चों, आप अपना काम समय पर करते रहिए और होमवर्क चेक करवाते रहिए। अगली कक्षा में अगला पाठ पढ़ेंगे। अब इस पाठ को अपन यही खत्म करते हैं।